हर घर का श्रृंगार प्रेम सनातन। जय श्रीमन्नारायण। संवाद की श्रृंखला में आज फिर मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हूं प्रेम सनातन यूट्यूब चैनल के माध्यम से। सज्जनों, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि एकादशी का व्रत हम लोग क्यों करते हैं और इसका क्या महत्व है। तो आप सभी लोग इसको ध्यान से सुने। सज्जनों, हिंदू पंचांग की 11वीं तिथि को एकादशी कहते हैं। यह तिथि मास में दो बार आती है, पूर्णिमा के बाद और अमावस्या के बाद। पूर्णिमा के बाद आने वाली एकादशी को कृष्ण पक्ष की एकादशी कहा जाता है और अमावस्या के बाद आने वाली एकादशी को शुक्ल पक्ष की एकादशी कहते हैं। इन दोनों प्रकार की एकादशियों का हमारे भारतीय सनातन परंपरा में बहुत बड़ा महत्व है। इस दिन श्री हरि से उत्पन्न हुई थी एकादशी माता। शायद ही आपने इस प्रसंग को कहीं पर सुना हो। अगहन मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। इस व्रत को वैतरणी एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन देवी एकादशी का जन्म हुआ था, इसीलिए इस एकादशी का महत्व और भी बढ़ जाता है। वैतरणी एकादशी को व्रत उपवास रखने से शीघ्र ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पौराणिक ग्रंथ के अनुसार अगहन मास भगवान कृष्ण और विष्णु की भक्ति का मास है। इस दिन श्री विष्णु के शरीर से माता एकादशी उत्पन्न हुई थी, अतः इस दिन कथा श्रवण का विशेष महत्व माना गया है। हेमंत ऋतु में आने वाली इस एकादशी को उत्पत्तिका, उत्पन्ना और वैतरणी एकादशी भी कहा जाता है। वैतरणी एकादशी, उत्पन्ना एकादशी के बारे में जब धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा तो उन्होंने इस कथा के बारे में विस्तार से बताया है। वैतरणी एकादशी की इस कथा के अनुसार सतयुग में एक मुर नामक दैत्य था, जिसने इंद्र सहित सभी देवताओं को जीत लिया। भयभीत देवता भगवान शिव से मिले तो शिव जी ने देवताओं को श्रीहरि विष्णु के पास जाने के लिए कहा। क्षीर सागर के जल में शयन कर रहे श्रीहरि इंद्र सहित सभी देवताओं की प्रार्थना पर उठे और मुर दैत्य को मारने चंद्रावती पुरी नगर में गए। सुदर्शन चक्र से उन्होंने अनगिनत दैत्यों का वध किया। फिर वे बद्रिका आश्रम की श्रृंगावती नामक 12 योजन लंबी गुफा में विश्राम करने के लिए चले गए। मुर ने उन्हें जैसे ही मारने का विचार किया, वैसे ही श्रीहरि विष्णु के शरीर से एक कन्या उत्पन्न हुई। उसने मुर दैत्य का वध कर दिया। जागने पर श्रीहरि को उस कन्या ने, जिसका नाम एकादशी था, बताया कि मुर को श्रीहरि के आशीर्वाद से ही उसने मारा है। तो खुश होकर श्रीहरि ने एकादशी को सभी तीर्थों में प्रधान होने का वरदान दिया है। इस तरह श्री विष्णु के शरीर से माता एकादशी के उत्पन्न होने की यह कथा पुराणों में वर्णित है। इस एकादशी के दिन त्रिस्पर्शा यानी कि जिसमें एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी तिथि भी हो, वह बड़ी शुभ मानी जाती है। इस दिन एकादशी को व्रत रखने से 101 व्रत करने का फल हमको प्राप्त होता है। एकादशी व्रत करने की इच्छा रखने वाले मनुष्य को दशमी के दिन से कुछ अनिवार्य नियमों का पालन करना होता है। इस दिन प्याज लहसुन ऐसी वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रात्रि को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए तथा भोग विलास से दूर रहना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातःकाल उठकर आप अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर भगवान को स्नान आदि कराकर मंदिर में जाकर उस दिन गीता का पाठ जरूर करना चाहिए। स्वयं करें या पुरोहित जी को बुला करके आप उनसे भी करवा सकते हैं। प्रभु के सामने
प्रण करना चाहिए कि आज मैं चोर, पाखंडी और दुराचारी मनुष्यों से बात नहीं करूंगा और ना ही किसी का दिल दुखाऊंगा। रात्रि को जागरण कर कीर्तन करूंगा और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादश मंत्र का ज्यादा से ज्यादा जाप करना चाहिए। रामकृष्ण नारायण आदि विष्णु सहस्त्र नाम को कंठ का भूषण बनाना चाहिए। भगवान विष्णु का स्मरण कर प्रार्थना करें, हे त्रिलोकीनाथ मेरी लाज आपके हाथ में है, अथा मुझे इस प्रण को पूरा करने की शक्ति आप प्रदान करें। प्रभु से ऐसी प्रार्थना करना चाहिए। सभी वैष्णव भक्तों को तो एकादशी व्रत जरूर करना चाहिए। एकादशी व्रत का महत्व बहुत ज्यादा है, ये आप सभी लोग जानते हैं। आज के संवाद को यहीं पर विश्राम करते हुए मैं पुनः आपके समक्ष एक नए संवाद के साथ में प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए जय श्रीमन्नारायण, जय श्री राधे।